गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों मैं हूँ यहाँ पर शौकीन जी पाटीदार के खेत पर, और यहाँ पर आपको दोस्तों लहसुन की अभी क्वालिटी बताएं, कुछ कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितनी ग्रो कर चुकी है अभी तक जो लहसुन। इसके अलावा संतरे की खेती भी ये करते हैं, अच्छे कृषक हैं, और इसके अलावा असगन का है, अफीम का है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों बने रहे मेरे साथ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले लहसुन में इन्होंने क्या क्या डाला है, कौन सी लहसुन है इनकी, देसी है कि कौन सी है। ये लहसुन की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़िया अच्छी ग्रो कर रही हैं, शानदार चल रही हैं। और चलिए बात करते हैं शौकीन जी पाटीदार से। शौकीन जी, तो अभी तक इसमें लहसुन में क्या क्या दिया आपने? लहसुन में सर दवाई तो अभी कुछ स्प्रे नहीं किया है, केवल DAP और यूरिया का ही इस्तेमाल है इसमें। अच्छा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्वालिटी कौन सी, देसी लहसुन है या जीटू है? ये वो सेकंड ऊटी बोलते हैं जो है सर, सेकंड वाली ऊटी लहसुन है दोस्तों। और अभी तक कुछ नहीं दिया है, देसी खाद है, सिर्फ DAP दिया था और दवाई ववाई का कोई स्प्रे नहीं किया। फिर भी बहुत ही अच्छी अभी चल रही है, ग्रो शानदार कर रही है। मैं आपको सामने वाले कैमरे से भी दिखा दूंगा दोस्तों। लहसुन की अभी तक दोस्तों क्वालिटी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा कितने बीघे का प्लाट है? ये पूरा एक बीघे का प्लाट, 1 बीघे का पूरा प्लाट है। और लहसुन अभी तक कितनी ग्रो कर चुकी है, और इसमें कितनी पिलाई कर दी है अभी तक? ये पांचवी, पानी के बाद पांचवी पिलाई, पांच से पिलाई कर दी है। इसके अलावा बरसात हुई थी दोस्तों, तो बरसात से भी चल रही थी लहसुन तब तक। तो हम हैं अफीम के खेत में, पूरे 10 आरी का प्लाट है ये अफीम का। और हमारे साथ हैं अफीम के एग्रीकल्चर खेती करने के किसान शौकीन जी पाटीदार, जो कि अच्छी खेती करते हैं अफीम की, और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खाद ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का बहुत कम प्रयोग करते हैं। और अफीम अभी इनकी अच्छी ग्रो कर चुकी है। लगभग कितने दिन की हो चुकी है? लगभग सर ये 3 महीने और 3 दिन की हो चुकी है। 3 महीने और 3 दिन की हो चुकी हैं दोस्तों। आज हैं 4 फरवरी 2022 का दिन है, और हम ये आज 4 फरवरी को बना रहे हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक में अभी तक क्या क्या दिया आपने, शुरू से लास्ट तक अभी आप किसानों को बताएंगे जरा कि इसमें? ऑर्गेनिक सर में इसमें तो क्या है कि खेत तैयार किया था, तब उसमें लगभग 2 ट्राली देसी खाद डाला था। उसके बाद अफीम के दानों की छिड़काव किया था। उसके बाद क्या है कि जू जू पान पिलाई, तब तब गौमूत्र का ज़्यादा प्रयोग किया। अच्छा, इसमें इन्होंने गौमूत्र का प्रयोग किया है दोस्तों पूरे ही। तो गौमूत्र को किसे किसे चलाते हैं आप? बस गौमूत्र को क्या है कि बाड़े में गायें जहाँ बनती है ना, वहाँ नाली बना के उसको इकट्ठा करते हैं डेली का डेली। और क्या है कि 50 लीटर के लमसम हो जाए तो फिर खेत पे ला के नल के द्वारा पानी में पिलाते समय देते हैं। अच्छा, जब पान आप पिलाते हो तो पानी में उसके साथ गौमूत्र चलाते हैं दोस्तों अफीम के अंदर ही। तो ये भी ऑर्गेनिक खेती बहुत ही अच्छी तरीका है, गौमूत्र का काफ़ी उपयोग किया जाता है और गौमूत्र बहुत ही अच्छा रहता है, तो अफीम के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अफीम के अंदर इन्होंने गौमूत्र का जो उपयोग किया है और गौमूत्र इसमें चलाते हैं ये पानी के साथ, तो कितनी बार देते हैं लगभग ये इसमें? लगभग इसमें 3 से 4 बार तक तो चलाना ही पड़ता है। 3 से 4 बार चलाते हैं, और ज़्यादा बार भी चला सकते हैं किसान भाई, अगर कोई दिक्कत उसमें नहीं, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अलावा कौन सी रासायनिक दवाइयों का कोई उपयोग? रासायनिक दवाइयों में तो इस साल क्या है कि वो अभी बाद में थोड़ी बरसात हो गई थी, उसमें पौधे ज़्यादा बिगड़ गए थे, तो एक बार एग्रोबेट और पोलीराम का स्प्रे किया था। एक बार सिर्फ एग्रोबेट और पोलीराम का स्प्रे किया था, क्योंकि दोस्तों वो जो मौसम बहुत ख़राब हुआ था, ज़्यादातर लगातार बरसात हो रही थी और मानसून काफ़ी जो ख़राब हो रहा था, उसकी वजह से उसका इस्तेमाल करना पड़ा। बाकी किसी प्रकार की कोई रासायनिक दवाई का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है दोस्तों। तो मैं आपको सामने वाले कैमरे से आपको पूरा प्लाट दिखा देता हूँ आपको, कि अफीम की फसल अभी तक कितनी ग्रो कर चुकी है, 3 महीने की हो चुकी है दोस्तों अफीम की फसल अभी तक। इसमें ये गोली आ चुकी है और फूल भी खिलने वाले, लगभग समथिंग 1-2 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे। और चारों तरफ इन्होंने अच्छा सा मकई का जो पौधा है वो लगा रखा है, ताकि ये एयर से हवा से इसको बचाता है, इसके अंदर फूल जो हैं वो
जल्दी नहीं गिरते हैं अगर हवा तेज़ चलती है। और इसके अलावा जो मक्की हैं ये सेफ्टी रहती हैं चारों तरफ, इसलिए लगाए हैं। ये पूरा इसमें फवारा सिस्टम लगा रखा है, इसने फवारा सिस्टम से ही इसकी पिलाई करते हुए। फवारा सिस्टम से तो क्या है कि पहली और दूसरी पिलाई फवारा सिस्टम से करते हैं, बाद में एक पिलाई धोरे से करते हैं और दूसरी पिलाई फवारे से करते हैं। एक पिलाई तो इसके नीचे से दौरे के द्वारा करते हैं, दूसरी बाकी फवारा सिस्टम से। मामूली नमी की जरूरत होती है, मामूली नमी की, तो मैं 15 या 20 मिनट केवल फुहारे चला देता हूँ। अच्छा, जिससे हमारे नमी जो चाहिए वो नमी मिल सके बस। अच्छा, केवल नमी की अगर जरूरत हो जिस समय, उस समय स्प्रिंगलर सिस्टम चलाया जाता है, बाकी स्प्रिंगलर सिस्टम नहीं चलाते हैं, बाकी पानी के द्वारा ही पिलाई की जाती है, जिससे अपन रेगुलर पिलाई करते हैं उसी प्रकार से। तो ये दोस्तों पूरा प्लाट देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। अफीम के पौधे शुरू से नीचे से अगर ऊपर तक आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की ये कंडीशन है दोस्तों अभी तक। ये है अश्वगंधा की फसल है और बहुत ही अच्छी, अभी तो वैसे चल रही है, लेकिन इसके अंदर क्या कि पाला गिरा था, तो थोड़े बहुत पाले से नुकसान भी हुआ है, फिर भी नुकसान होने के बाद अभी पिलाई हुई है। अभी ये जो पाला गिरा था उसके बाद पिलाई करी, तो ये पाला गिरने के बाद वापिस फूट जाएगी क्या? हाँ, इसमें अभी बीघे का 10 से 15 किलो यूरिया दे के पिलाई की है, उससे अभी थोड़ी ग्रो हुई है। तो दोस्तों ये ग्रो हो जाएगी और ये वापस चलने लग जाएगी, इसकी फुटान हो जाएगी, मतलब इसके अंदर वापस दोबारा से जो ये बात है कि जो जल गई वो बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी नहीं। अच्छा, हाइट इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जो जड़ है ना वो बढ़िया चल जाएगी, जड़ें अच्छी हो जाएगी। तो ये इसका कितना वेट जाता है, मतलब एक बीघे का कम से कम? अगर अश्वगंधा अश्वगंधा के करो तो 1.5 क्विंटल जड़ें बिक जाएगी, लगभग 1.5 क्विंटल बैठ जाती है दोस्तों। और मंडी में आपने भाव तो देखे ही, इसका बहुत ही अच्छा भाव रहता है, 17 से 22 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है, और इसका पाला भी बिकता है। तो ये अश्वगंधा की खेती अच्छी करते हैं, प्रत्येक साल करते हैं, हर साल बोते हैं ना, कितना लगभग चाहे हूँ संतरे के खेत में। और अभी जो संतरे की सीजन है दोस्तों, काफ़ी कम मात्रा में संतरे जो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़ालुम संतरे लग रहे हैं, और काफ़ी पेड़ नीचे तक जो हैं टहनियाँ नीचे ज़मीन तक टच हो रही हैं, और बहुत ही अच्छी खेती संतरे की भी करते हैं। शौकीन जी पाटीदार हैं ये, और कितने साल के पौधे हो गए ये? लगभग ये 7 साल के पौधे होंगे। 7 साल के पौधे हो गए, तो ये अभी आपके जो संतरे लग रहे हैं बाकी किसानों के नहीं लग रहे हैं, तो ये क्या कारण है कि अभी इसमें फल अच्छा सा आया है? ये तो क्या है कि जो बरसात होने से पहले जो एक बरसात हो गई थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, उससे जगह उसमें फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी आ गई थी, हर साल से फ्लावरिंग ज़्यादा आ गई। अच्छा, प्रत्येक साल की बजाय इस साल इनकी फ्लावरिंग अच्छी आई है। और इसमें कुछ दवाई वगैरह का स्प्रे वगैरह कुछ नहीं? कोई दवाई वगैरह स्प्रे नहीं है, बस वो कहीं कहीं वो मक्खी के वो डिब्बे हैं जो लगा रखे हैं। अच्छा, अभी तक गए साल DAP का एक कट्टा दिया था, 90 पौधे हैं इनको। की जो फसल है संतरे की बहुत कम मात्रा में आती हैं, और संतरे अभी मार्केट में अच्छे बिक रहे हैं, 30 से 40 रुपये किलो हम जाते हैं ठेले पे तो मिल रहे हैं। तो ये संतरे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर ये लड़ालुम लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे इस साल संतरे। और इनके टेके लगाने के टाइम पे क्या बरसात ज़्यादा हो गई थी, जो खेत में गीले गीला हो गया था, उस समय टेके भी नहीं लगे, पेड़ों में भी नुकसान हो गया है थोड़ा, उनको सपोर्ट लगाना था, वो सपोर्ट नहीं लगा पाए, इसकी वजह से नीचे ज़मीन तक टच हो रहे हैं पूरे दोस्तों। तो नीचे मेथी की खेती भी है, मेथी की फसल भी लगा रखी है, और काफ़ी बड़े बड़े संतरे हैं, ये पूरा पूरा ही बगीचा है। और देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया शानदार है फल इसमें आया है। अलसी की खेती भी देख लेते हैं, अलसी की फसल अभी तक कितनी ग्रो कर चुकी है, और अच्छे फूल आ रहे हैं, बहुत ही शानदार ये पूरा अलसी का खेत है, बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रो भी हाइट भी हो चुकी है, लगभग 3 फीट के लगभग हो चुकी हैं, 3 से 4 फीट के लगभग। तो लगभग कितने महीने की हो चुकी हैं ये? लगभग सर 2 महीने की हो चुकी है, 2 महीने की अलसी की फसल हो चुकी है। और अलसी का भाव तो आपने देखा ही है मंडी में, अभी पिछले साल भी बहुत ही अच्छा था, 7,000 के करीब जा चुका था। और ये जो फसल है इसमें कितनी पान पिलाई अभी तक? ये बीच में एक बरसात गिर गई थी, बरसात के बाद अभी ये तीसरी पान, इसमें तीन तीसरी पिलाई हुई है, 3 पिलाई करी हैं। वैसे भी अलसी में कम ही पानी की आवश्यकता होती है, तो लगभग 1 या 2 पान और पिएगी, फिर इसके बाद ये पूरी
अपने परवान पर आ जाएगी। तो फसल बहुत ही अच्छी अपने पूरे परवान पर है, शानदार फसल है दोस्तों। और मैं आपको सामने वाले कैमरे से भी दिखा देता हूँ कितनी बढ़िया फसल अभी अलसी की है दोस्तों। ये अलसी की फसल आप देखते हो, बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें इस प्रकार से ये फूल आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रो कर चुकी है, इतनी हाइट हो चुकी है। ये पूरा प्लाट है, कितने बीघे का है ये? 3 बीघे का, 3 बीघे का पूरा प्लाट है और बहुत ही अभी शानदार। और ये शौकीन जी पाटीदार हैं, ग्राम कारुंडा के निवासी हैं दोस्तों। तो हम हैं शौकीन जी के बाड़े में और इसमें भी ये पशुपालक जो गाय का पालन करते हैं। किस प्रकार से देखो, गाय के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नीचे इन्होंने मेठी बिछा रखी है और पानी की व्यवस्था भी शानदार है। और मैं बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखाऊँ, वो सामने पानी के लिए कुंडियाँ बना रखी हैं, नीचे जो ये मेटी लगा रखी है और यहीं से ये गोमूत्र इकट्ठा करते हैं। और मैं बिल्कुल आपको नज़दीक ले चलूँ तो ये शौकीन जी पाटीदार है। तो ये पानी का, ये गाय के लिए पानी पीने के लिए बना रखा है और वो घास फूस डालने के लिए सामने, जो बिल्कुल बैक कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों, आपको सामने से सही नहीं दिखेगा इस कैमरे से, तो मैं बैक से दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी कुंडियाँ इस प्रकार से इन्होंने लगा रखी हैं और ये गाय के लिए जो घास डालने का है नीचे, ताकि इधर कुछ गंदगी नहीं हो। ये गाय पशुपालन भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं शौकीन जी पाटीदार हैं, सिस्टमेटिक काम बहुत ही शानदार। ये पूरा इधर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मूत्र एकत्र करने के लिए यहाँ पर जो सामने गायें बनती हैं और यहाँ पर ये नाली जो बना रखी है, इस नाली के द्वारा यहाँ से गौमूत्र यहाँ से जाता है और इस नाली के सिस्टम से यहाँ से जाते हुए यहाँ पूरा बाहर तक जाता है और इसके अंदर स्टोर होता है। ये भर रहे हैं इसमें शौकीन जी पाटीदार, ये गौमूत्र हैं, इसमें से नाली के अंदर से ये इकट्ठा करके ये अफीम में उपयोगी हैं काफ़ी। कोई सी भी फसल में आप दे सकते हो इसको गौमूत्र को, तो बहुत ही अच्छा उपयोगी है। और ये इसके अंदर फिर स्टोर करके जाली भी लगा रखी है और पूरा ये केन पूरी भर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टमेटिक इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है। इस वीडियो में मैंने अफीम के बारे में और अश्वगंधा और लहसुन और संतरे सारे ही आपको इस वीडियो में मैंने दिए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।